झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम आपको कक्षा 12वीं की अंतराल पाठ्य पुस्तक से विश्वनाथ त्रिपाठी जी की आत्मकथात्मक पुस्तक नंगा तलाई का गांव का एक अंश बिस्कोहर की माटी शीर्षक से जो लिया गया है उसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी के आत्मकथात्मक अंश बिस्कोहर की माटी का प्रश्नोत्तर। पहला है, कोइयां किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर है, कोइयां जल में उत्पन्न होने वाला एक पुष्प है, इसे कुमुद भी कहते हैं। और अब इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। पहला, कोइयां पानी से भरे गड्ढों में उगती है। दूसरा, यह पूरे भारत में अधिकतर स्थानों में पाई जाती है। तीसरा, इसकी खुशबू अच्छी लगती है। चौथा, शरद ऋतु को चांदनी में तालाबों में चांदनी की छाया कोइयों की पत्तियों जैसी ही लगती है। और अब प्रश्न दूसरा, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है, टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, बच्चा अपनी माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। वह माँ के शरीर की उष्णता से गहरा परिचित होता है। दूध पीकर ही उसे जीवन चलाने की शक्ति मिलती है। वह माँ के शरीर से चिमट कर सुख और सुरक्षा प्राप्त करता है। इस तरह उसका माता का दूध पीने के साथ एक आत्मिक संबंध भी बनता है। वही वह रोता है, पिटता है, हाथ पैर चलाता है, आनंद पाता है, तृप्ति पाता है। इसलिए यही उसके संपूर्ण जीवन की एक कथा बन जाता है। प्रश्न तीसरा है, बिस्नाथ पर क्या अत्याचार हो गया। उत्तर है, बिस्नाथ जब छोटे ही थे और माता का दूध पीना जारी ही था कि उनके छोटे भाई का जन्म हो गया। इस कारण से उन्हें अपनी माँ का दूध मिलना बंद हो गया। बिस्नाथ इसे ही अपने ऊपर होने वाला अत्याचार निरूपित करते हैं। प्रश्न चौथा, गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए, क्या आप भी उन उपायों से परिचित हैं? उत्तर है, गर्मी और लू से बचने के बहुत से ग्रामीण उपाय हैं, जैसे पहला, धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध दिया जाता है। दूसरा, लू से बचने के लिए कच्चे आम का पना पिया जाता है। तीसरा है, कच्चे आम को भूनकर गुड़ तथा चीनी के साथ उसका शरबत भी पिया जाता है। चौथा है, इसी शरबत को शरीर पर लगाया और उससे नहाया भी जाता है। पांचवा है, कच्चे आम को भूनकर या उबालकर उससे उसके रस से सिर भी धोते हैं। हम प्याज को जेब में रखने, भोजन के साथ खाने, आम का पना पीने और लू लगने पर गीले कपड़े से पूरे शरीर को सिर से आरंभ कर पैरों तक ले जाकर अलग छिटक देने जैसे उपायों से परिचित हैं। प्रश्न पांचवा है, लेखक बिस्नाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है? उत्तर है, लेखक बिस्नाथ ने जिन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है वे इस प्रकार हैं। बत्तख अंडों को तब तक सेती है जब तक उनसे बच्चे नहीं निकल आते। वह अंडों को खा जाने वाले अन्य प्राणियों से उनकी रक्षा करती है। उसकी चोंच पैनी और नुकीली होती है, पर वह अंडों का संरक्षण उसी चोंच के साथ पूरी कोमलता बरत कर करती है। माँ भी यही सब करती है। वह अपने बच्चे की बेहतर तरीके से देखभाल करती है, उसे अपना दूध पिलाती है, अपने साथ सुलाती है, बच्चे को सूखे में रखती है, भले ही खुद गीले में सोए।
छठवां प्रश्न है, बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन बिस्नाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, बिस्कोहर में सीधे बरसात नहीं हुआ करती थी, पहले आकाश में बादल घिरते फिर गड़गड़ाते तब बारिश शुरू होती। बादल इतने घने होते कि लगता दिन में ही रात हो गई है। बारिश होने से जो ध्वनि पैदा होती थी वह तबला, मृदंग तथा सितार के स्वर जैसी प्रतीत होती थी। तेज बरसात होने पर लगता है कि दूर से घोड़े भागे चले आ रहे हैं। वर्षा शुरू होती तो कई दिनों तक लगातार जारी रहती। इससे किसी मकान की छत उड़ जाती तो कहीं पर जमीन धंस जाती, नदी में बाढ़ आ जाती, पशु पक्षी बरसात होने पर यहां से वहां भागते, नदी नाले भर जाते, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता। इतना ही नहीं, पहली बरसात में नहाने से गर्मी में पनपे हुए चर्म रोगों से भी छुटकारा मिल जाता। प्रश्न सातवां, फूल केवल गंध ही नहीं देते दवा भी करते हैं, कैसे? उत्तर है, फूल केवल गंध ही नहीं देते, अनेक प्रकार की औषधियों जैसा भी उनका उपयोग होता है। यहां पर लेखक ने उनके कई उपयोग बताए हैं, जैसे भरभंडा नाम के फूल से निकलने वाला दूध आंखें आने पर दवा का काम करता है। इसे आंख में निचोड़ देने से आंख की बीमारी दूर हो जाती है। नीम के फूल चेचक के मरीज को ठीक कर सकते हैं। बेर के फूलों को सूंघने मात्र से बर्र और ततैये का डंक अपने आप झड़ जाता है। प्रश्न आठवां, प्रकृति सजीव नारी बन गई इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी अपनी निजी मान्यताएं हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रकृति संबंधी मान्यताएं। पहला, शरद की चांदनी में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कुमुद की पत्तियां एक हो जाती हैं। दूसरा, कुमुद की गंध को जो पसंद करता है वही उसके मर्म को जान सकता है। तीसरा, सिंघाड़े के फूलों में गंध के साथ एक आवाज भी होती है। चौथा, आकाश अपने गांव का ही एक टोला लगता चंदा मामा भी। नारी संबंधी मान्यताएं लेखक की इस प्रकार हैं। पहला, बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी ज्यादा होती थी, वैसी ही विस्कोहर की औरतें होती हैं। दूसरा, वह बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू जैसी लेखक को लगी। तीसरा, वह औरत बिस्नाथ को जूही की लता लगती है, चांदनी का रूप लगती है, उससे फूलों की खुशबू भी आ रही थी। चौथा, प्रकृति ही सजीव नारी बन गई थी, उसमें आकाश, चांदनी, सुगंधी सब दिखता था। पांचवा, बिस्नाथ को नारी के रूप में अपनी माँ का अलग रूप दिखता है, वे माँ के पेट के रंग की तुलना हल्दी मिली पुड़ी के रंग से करते हैं और गंध की तुलना दूध से। छठवां, नारी शरीर से बिस्कोहर की फसलों और वनस्पतियों की उत्कट गंध आती है। सातवां, वह बड़े गुलाम अली की ठुमरी में व्याकुल नजर आती है। आठवां, संगीत, नृत्य, कला, मूर्ति, कविता, स्थापत्य, चित्र, हर कला रूप के आस्वाद में वह स्त्री मौजूद है। नौवां, दुख सुख से जोड़ने की वह सेतु है। और अब सौंदर्य संबंधी लेखक की मान्यताएं। पहला, सरसों के अनवरत फूल खेतों के सौंदर्य को पावन बना देते हैं। दूसरा, फूले हुए नीम की गंध मादक, गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है। तीसरा, इमली के
छतनार पेड़ से छनकर चांदनी के टुकड़े बिखरते, शीशम की फुनगी को चांदनी चूमती। चौथा, बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी हुई ज्यादा प्रतीत होती थी। प्रश्न नौवा, ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा हुआ मिलता है? उत्तर है, जिस स्मृति के साथ लेखक की मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है वह इस प्रकार व्यक्त किया गया है। गुलाम अली की ठुमरी है, अब तो आओ साजन, इसे सुनकर लेखक को रुलाई आती है। वही औरत इसमें व्याकुल नजर आती है, सफेद रंग की साड़ी पहने हुए, घने काले केश संवरे हुए, आंखों में पता नहीं कैसी आर्द्र व्यथा है, वह सिर्फ इंतजार करती है। रोने का मन करने लगा था। लेखक कहते हैं कि उस ठुमरी को सुनते समय उस स्त्री की याद हो जाती है, जैसे अपनी मृत्यु की गोद में गए पति की याद आती है। उसे बस प्रीतम से मिलने का इंतजार है, उसका प्रीतम हर रूप में उसके साथ है। इसी स्मृति को याद करके लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तरह से जुड़ा हुआ मिलता है। तो यह था विश्वनाथ त्रिपाठी के आत्मकथांश विस्कोहर की माटी के प्रश्नोत्तरों वाला एपिसोड। अगली बार हम विश्वनाथ त्रिपाठी जी का जीवन परिचय करेंगे। कृपया से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।